अगर आप अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड विभाग में सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने वाले अपात्र कार्ड धारकों से बाजार के भाव से अनाज, रिफाइंड आदि की वसूली की जाएगी। कार्ड सरेंडर करने के लिए अपात्र लोगों को जिला प्रशासन ने समय दिया है। इसके बाद सत्यापन के वक्त पाए जाने वाले अपात्र लोगों से वसूली के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी। शासन की ओर से गरीबों के लिए राशन वितरण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए पात्र गृहस्थी में शहरी क्षेत्र में 3 लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले लोग लाभ लेने के हकदार हैं। सरकार काफी समय से गरीबों को हर महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दे रही है। पिछले 5 महीने से लाभार्थियों को राशन के साथ ही रिफाइंड नमक चना भी मुफ्त दिया जा रहा है। यह योजना गरीबों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इसमें तमाम अपात्र लोग सेंध लगा रहे हैं। वास्तविक हकदार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, जिसके पीछे राशन कार्डों का तय लक्ष्य पूरा होना है। इसको लेकर जरूरतमंद गरीब लोग कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इससे गरीबों को राहत देने के लिए सरकार अपात्रों से कार्ड सरेंडर करा रही है, जिसके बाद राशन लेने वाले परिवार का घर घर जाकर सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने पर अपात्र लाभार्थियों से बाजार में बिक रहे राशन और तेल और नमक के दाम के अनुसार वसूली की जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो जो हमारा रूरल एरिया की कैपिंग है और जो अर्बन एरिया की कैपिंग है, लगभग पूरी हो चुकी है। और अभी भी कुछ लोग इस तरह के आते हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उसको भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर बनवा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो सक्षम लोग हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो पात्र और गरीब वास्तविक जेन्युइन लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। और तमाम लोग इसमें आगे भी आए हैं और अपने राशन कार्डों को उन्होंने सरेंडर भी किया है। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा, आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो वास्तविक पात्र लाभार्थी हैं उनको हम लाभ दे सकें। और इसकी जाँच भी कराई जा रही है, अगर हमारे स्तर से इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हम जो विधि संगत कार्रवाई है वो भी अमल में लाएंगे।